सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज सनी भोसले, सीनियर फैकल्टी एट अभिमन्यु आईएएस। मैं आपको करवा रहा हूँ माइक्रो लेक्चर्स, क्योंकि जैसे माइक्रो कोर्स छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट, वैसे ही हमारे माइक्रो लेक्चर्स जिनमें हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं प्लस उसके साथ एक या दो क्वेश्चंस, क्लियर तो समझेंगे। और माइक्रो कोर्सेज का आपको पता है, नहीं पता तो मैं पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ, बट पहले चलिए समझते हैं आज के हमारे क्वेश्चंस। चलिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। देखो पास फेल की बात करूं, होता क्या है, देखो सपोज करो मेरे को यहां पे दो कंडीशंस दी जा सकते हैं, दोनों कंडीशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको पास फेल का, मिनिमम मेरे को जो मार्क्स लेने वो लेने जीरो, एज यू ऑल नो जीरो से कम तो हमारे पास आ नहीं सकते, ठीक है। कभी भी नेगेटिव मार्किंग का नहीं सोचना जब तक क्वेश्चन में ना दिया हूं, क्लियर। ये होंगे मेरे पास मैक्सिमम मार्क्स, क्लियर। यहां पर कहीं मेरे पास पासिंग मार्क्स होंगे, पासिंग मार्क्स की बात करेंगे। अगर क्वेश्चन में दो की कंपैरिजन है, जो फेल हो रहा है उसके मार्क्स इधर, जो पास हो रहा है उसके मार्क्स इधर, और इनका हमेशा ही मैक्सिमम टाइम क्या लेना पड़ता है मुझे, डिफरेंस परसेंटेज के करने के लिए। बट ये छोटा सा स्ट्रक्चर जो मैंने लाइन चार्ट बना के दिखाया, इसको कैसे काम में लेके आना, कैसे इसको समझना है वो मैं आपको बताता हूं क्वेश्चन के अंदर। चलिए क्वेश्चन नंबर एक देखते हैं क्या है मेरे पास। चलिए, इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35% और 40%। वो ये भी कह सकता है कि वी हैव टू स्टूडेंट्स, वन गॉट 35% अनदर गॉट 40%, एक फेल हो रहा है एक पास हो रहा है, कुछ डाटा दिया जा सकता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा जा चुका है, क्लियर। इन अ टेस्ट मिनिमम पासिंग परसेंटेज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज इज 35%। देखो अब अलग अलग है, ये मेरे पास 0% मिनिमम, ये मेरे पास 100% मैक्सिमम, क्लियर। अच्छा, अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, कितना परसेंट स्टूडेंट्स पासिंग मार्क्स, गर्ल्स पास होंगी तो 35%, बॉयज पास होंगे तो कितना 40%, क्लियर। अब बॉयज स्कोर 483 मार्क्स एंड फेल्ड बाय 17 मार्क्स, इसका मतलब एक जो बॉय है ना, हुआ क्या, बॉयज को क्या चाहिए 40% पासिंग मार्क्स, ये 0 मार्क्स है, ये 100% मार्क्स है, क्लियर है। बॉय को चाहिए 40% मार्क्स, और वो उसके कितने कम आए हैं, उसके 483 मार्क्स आए हैं, बॉय गॉट 483 मार्क्स एंड फेल्ड बाय हाउ मच 117 मार्क्स। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं उस बच्चे को 117 नंबर और दे दूं पास हो जाएगा, यस ही विल पास द एग्जाम। इसका मतलब 40% ऑफ टोटल मार्क्स ऑफ बॉयज वो किसके इक्वल है, 483 प्लस 117, क्लियर। तो स्टूडेंट्स 40% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 600, तो 1% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 15, तो 100% टोटल मार्क्स क्या होंगे मेरे पास वो बॉयज, वो होंगे 1500, बस इतनी सी बात थी। यानी टोटल मार्क्स यहां पे कितने होंगे मेरे पास, 1500, वो जब बॉयज की बात कर लो जब गर्ल्स की बात कर लो, टोटल मार्क्स तो सेम ही रहने वाले दोनों के परसेंटेज में, नंबर और नंबर में 1500 होंगे मेरे पास। मुझे क्या कह रहा है, व्हाट इज द मिनिमम पासिंग मार्क्स फॉर गर्ल्स, इसका मतलब गर्ल्स के कितने, 35%, 35/100 ऑफ कितना 1500, 15 / 45 450, 15 × 75 प्लस 75 इज हाउ मच 525, ऑप्शन नंबर बी वाज द राइट आंसर, क्लियर। तो दैट इज वेरी 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 गुड क्वेश्चन, और ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है आपका सीसेट 2018 में, उसको अब हम देखेंगे, बट ये क्वेश्चन उससे बहुत आसान है, बट थोड़ा सा अलग लेवल के। अ स्टूडेंट हैज टू गेट 40% टू पास इन द एग्जामिनेशन, सपोज ही गेट 30 मार्क्स एंड फेल बाय 30 मार्क्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम मार्क्स। पिछले क्वेश्चन में आपसे मेरा क्वेश्चन 1500 पे खत्म हो जाता है, उससे अगले आगे पूछा होता है, इसमें सिर्फ वही पूछा हुआ। देखो अ स्टूडेंट हैड टू गेट 40% मार्क्स, इसका मतलब 0% मार्क्स आ गए, ये मेरे पास है 100% मार्क्स, क्लियर। ये कितना है 40% मार्क्स। अ स्टूडेंट हैज टू गेट 40% मार्क्स एंड पास चाहिए, मतलब ये क्या है मेरे पास पासिंग मार्क्स, उसके आए 30 मार्क्स और 30 मार्क्स से वो फेल हो गया, इसका मतलब पासिंग मार्क्स कितने मेरे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 30 + 30 इज हाउ मच 60, जो परसेंटेज में 60 है, सॉरी नंबर में 60 है, परसेंटेज में कितना है, यानी 40% ऑफ टोटल मार्क्स इज हाउ मच 60, 1% ऑफ टोटल मार्क्स इज हाउ मच 6/4 यानी कितना 1.5, तो 100 की वैल्यू कितनी है 150, ये तो पूछा हो मेरे से, और दैट क्वेश्चन वॉज आस्क्ड इन
यूपीएससी सीसेट 2018 को, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, क्लियर। तो प्रीवियस ईयर था, तो हमने आज समझा कि परसेंटेज से मार्क्स के क्वेश्चंस को मैं कैसे डील कर सकता हूं स्टूडेंट्स, और इजीली हम ऐसे क्वेश्चंस को कैसे टैकल कर सकते हैं, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अब मैं आपको बताऊंगा माइक्रो कोर्सेज के बारे में, और मुझे क्या करना है जब मैं माइक्रो कोर्सेज या माइक्रोवर्स को समझू, तो थोड़ा सा मुझे टेम्परमेंट दिखाना है और मुझे समझने की कोशिश करना। देखो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, मुझे कोई भी एग्जाम क्रैक करना है उसके लिए मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले मुझे सिलेबस चाहिए। जब सारा सिलेबस हो जाए उसके बाद क्या करें, या मुझे एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए तीन चीजों की जरूरत है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर पता होने चाहिए, ठीक है, फिर उस चैप्टर के पीवा क्यों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नंबर तीन पे क्या चाहिए, इसके सॉल्यूशंस। वी नीड दीज थ्री टॉपिक्स टू अचीव और टू क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। अब सबसे मेन मुद्दा क्या होता है इसमें, कि इंपॉर्टेंट चैप्टर कैसे पता चलेगा, बिल्कुल पता चलेगा। इंपॉर्टेंट पीवा क्यों पता चलेंगे, वो भी पता चलेंगे, और सोल्यूशन कहां से मिलेंगे, सोल्यूशन भी मिलेंगे। तो देखिए तीनों चीजों को समझते हैं वन बाय वन, याद रखिए चैप्टर, पीवा क्यों एंड सोल्यूशन, क्लियर। चलिए स्टूडेंट, तो सबसे पहले क्या करना है, मैं पोर्टल पे जाना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, क्लियर। देखिए मैंने क्या बोला था, एड स्लिम स्ट्रेटजी टू योर एग्जाम प्रिपरेशन, छोटे कोर्सेज बड़े रिजल्ट माइक्रो कोर्स, क्लियर, दैट इज अवर थीम। सो सिविल सर्विसेज सेट, चलिए ऑल सब्सक्रिप्शन वीडियो कोर्सेज टास्क कोर्सेज एंड अभी पीडीएफ माइक्रो को छोटे कोर्स। अभी पीडीएफ माइक्रो कोर्स का सबसे प्लस पॉइंट पता है कि आपको पूरा कोर्स करने की जरूरत नहीं, जो इंपॉर्टेंट है वह करूँ, ठीक है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे मेरे पास देखिए बढ़िया सी एनिमेशन भी है, सारा कुछ बता रखा है, यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए, ठीक है। देखो जैसे मैथ एंड मेंटल एबिलिटी, अब नंबर सिस्टम आपको पता है कि भाई इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मुझे इतना ही पता है कि वो इंपॉर्टेंट है, बट ये नहीं पता वो कितना इंपॉर्टेंट है, कितने क्वेश्चन आ रहे। तो यहाँ देखो दिख रहा है 2023 में 17 क्वेश्चन आए, 22 में 10 क्वेश्चन आए, अच्छा जी 21 में 9 क्वेश्चन आए, 20 में 15 आए, 19 में 7 है। तो ऐसे मेरे को नंबर ऑफ क्वेश्चन की सीक्वेंस दी हुई है, तो यहां से पता चल गया अब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, क्लियर। अब इसको अगर मैं ट्राई ना करता मेरे पास क्या आएगा, ध्यान से देखिए 355 रुपए, 11 अनकट लेक्चर्स, ठीक है, 216 रुपए में। इसमें क्या है, सबसे पहले बस वीडियो लेक्चर्स, सबसे पहले इसमें क्या दिया मुझे, वीडियो लेक्चर दिए हुए। उसके बाद लास्ट के 3 से 4-5 लेक्चर्स में आपको पिछले साल के क्वेश्चंस के सोल्यूशन दिए, वो भी वीडियो सोल्यूशन, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। वेब नोट्स क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, मेरा वेब नोट्स मेरा ये काम करेंगे कि जहां पे मुझे क्या सारी थ्योरी मिलेगी, चैप्टर की वन लाइनर हो सकते हैं, फॉर्मूला हो सकता है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं, उसके बाद 440 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तीसरी चीज क्या थी मेरे पास, एमसीक्यू के सोल्यूशन प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 4 वहां लिखा नहीं मैंने। यहां पे क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो है ही है, प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी आपको दिए गए हैं, क्लियर। तो दिस इज ब्यूटी ऑफ दैट अभिपीडिया माइक्रो कोर्स। और ऐसा नहीं नंबर सिस्टम, देखो कोई भी चैप्टर ले लो, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है, 23 में 7 क्वेश्चन आए हुए, परसेंटेज की बात करेंगे, ठीक है, परसेंटेज में 22 में 3 क्वेश्चन आए थे, इसी तरीके से हर चैप्टर आ रहा है, क्लियर। और इसी तरीके से क्या है हमारे लॉजिकल रीजनिंग में एनालिटिकेबिलिटी का दिया, हर एक देखो, जैसे रैंकिंग एंड ऑर्डर की बात करूं मैं 2023 में क्वेश्चन, ठीक है, बाकी सब ऐसे ही चल रहा है। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को देखें जरा एक बार, इसमें दो ही हैं पूरे मंडल में दो ही हैं। सबसे पहले क्या है मेरे पास 358 रुपीज में आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, 6 लेक्चर हैं, 1000 के राउंड क्वेश्चन हैं, प्लस आपके पास इसमें रिसोर्सेज हैं, क्लियर। ये आप कह लो जो हमारे ये थे जिसकी बात मैं कर रहा था, आपके पास वेब नोट्स, क्लियर। अब इतना सब कुछ मिलने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं होगा, वेब नोट्स तो फ्री का ले लो 0 रुपए का, आज ही डालो, 1000 के नोट एमसीक्यूज हैं, क्लियर। तो इतना सब कुछ मिल रहा है आपको 358 रुपीज पूरे एक साल के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स, बट हमें तो मई में देना एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 10 दिन का मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर करें, कॉल में व्हाट्सएप करें, टीम अपने आप आपसे जुड़ेगी, आपको कुछ भी नहीं करना, कोई डाउट है कुछ है तो भी जुड़ेंगे। देखो मैं फिर बताऊं, मैंने हमेशा से मैं कहता हूं कि हम नंबर वन है, वाई, क्योंकि हर देखो क्रैश कोर्स चाहिए वो भी है, पीवा क्या चाहिए वो भी है, मेंटरशिप चाहिए वो भी है, अलग से चाहिए लॉजिकल रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन सब है, प्रीवियस ईयर देखो पीवा के ओवर लेक्चर है, फ्री होम कोर्स है, इसको भी देख सकते हो आप। और दूसरी बात, ये हमारी 22 की सिलेक्शन थी, रैंक देख लीजिए 51, 56, 91, 105, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया था। रीजन क्या था, ये बच्चे वो थे जो आपके मैं कहूंगा जीएस के साथ सीसेट को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दी थी उन्होंने, क्लियर। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ये जरूर पढ़ना, ये टेस्टिमोनियल से जरूर पढ़िए, बच्चों ने क्या लिखा है, आईएएस बन चुके अधिकारियों ने क्या लिखा है।
आई एम थैंकफुल टू द एंटायर टीम ऑफ मनु फॉर प्लेइंग अ रोल इन माय सक्सेस. थैंक्स टू लॉक. अभिषेक सैनी ने लिखा. तो ऐसे बहुत सारे आईएएस हैं जिन्होंने लिखा हुआ है. तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. और मैं एक बार ही कह रहा हूँ, एक बार ही आओ सब भूल जाओ, बस सी साइड का डर निकाल दो, बिल्कुल पास होगा. बट अगर हाथ पे हाथ रखे बैठे रहोगे, एफर्ट्स नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. प्लीज़ आपको सारे के सारे लिंक, माइक्रो कोर्स का लिंक, फुल कोर्स का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया. थैंक यू.